फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं बहुत लेट आया और मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, आपने जैसे बोला, मैंने काफ़ी उड़िया फिल्म्स की हैं और भैया ने जैसे बोला कि साउथ में भी मैं मूवीज़ किया हूँ, बट जब 8 तारीख को मैं मुंबई आया, दिस वॉज माई फर्स्ट, मैं पहली बार आया हूँ मुंबई में कोई भी ऑडिशन देने। मैं 8 तारीख मुंबई में आया, 9 तारीख मेरी ऑडिशन हुई, 10 तारीख को मेरी सिलेक्शन हुई, 11 तारीख मेरी फोटोशूट हुई और 12 तारीख मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये कुछ नहीं हो सकता, ये इट्स जस्ट लक। सर ने जैसे बोला, रजा सर, आई एम सो सॉरी, मैं तो पहले लेट से आया हूँ। रजा सर जैसे बोले कि इट्स अ मैटर ऑफ लक, लेडी लक। आज तक तो लक साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था वो विक्की भाई बेटर जानते हैं, बट आज सच में लेडी लक हैज स्माइल्ड ऑन मी एंड ऑल द मीडिया फ्रेंड्स दैट हैव कम हियर एंड ऑल दोज हु हैव, जितने भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, सुचित, सनी भाई, मोहित भाई, दे आर ऑल माई सीनियर्स इन द इंडस्ट्री। ये जिस मकाम में हैं आज, अपने मेहनत के बलबूते पे हैं और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी हम्बल्ड। सनी सर के बारे में एक बात बता सनी भाई के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। मैंने वो सनी भाई जब आए थे पहली बार, मैंने सोचा कि भैया कुछ कैरेक्टर रोल करें, लेकिन मुझे खुद, मतलब सिंस आई कम फ्रॉम अ सिटी लाइक कटक, इट्स क्वाइट अ स्मॉल सिटी, टीएस टू सिटी है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई वुड लाइक टू कन्फेस ऑन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे रात में शुभम, जो कि मेरा दोस्त है, वो उसने बोला, भैया आपको कुछ पता है, आप किसके साथ मिलके आए हो? मतलब भैया मेरे को क्या पता यार, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं जब नेट पे सर्च किया, तब मैं हाथ लेके बैठ गया, मैं किन किन लोगों से मिल के आया हूँ। वैसे ही बात है, लाइफ में मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड लाइक टू थैंक, पहले तो विक्की भाई, आपका और मेरा एक इंडिविजुअलिस्टिक पार्टी होगा और इंटीमेट बातें भी होंगी। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड और थैंक यू फॉर ऑल कमिंग हियर एंड गिविंग मी द सपोर्ट दैट आई नीडेड।